जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध एवं 1000 मदरसों को बंद करने का बिल पेश किया है। आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी जापान या डी अमेरिका। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। विवाह भवन 0 Mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया डीआईजी ने किया परबत्ता थाने का निरीक्षण, बोले पंचायत चुनाव को लेकर संदिग्धों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने मंगलवार को परबत्ता थाने का निरीक्षण करते हुए थाना क्षेत्र के अपराध की समीक्षा की। इस क्रम में भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में वैसे लोग जो पहले गड़बड़ी कर चुके हैं और जिनके द्वारा गड़बड़ी किए जाने की संभावना है, या फिर वैसे लोग जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है, वैसे ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। बीपुर में पुलिस पिटाई से मारे गए इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड के मामले में बीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी नहीं होने की बात पर डीआईजी ने कहा कि पूर्व थानाध्यक्ष के घर की कुर्की की गई है, पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। वहीं परबत्ता थाने के चार दीवारी निर्माण में आ रही बाधा पर डीआईजी ने कहा कि इस संदर्भ में नवगछिया एसपी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। डीआईजी ने कहा कि परबत्ता थाने के निरीक्षण के क्रम में कांडों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई है और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। क्या सब देखा गया, क्या सब जांच किया गया सर? हम लोगों का एनुअल इंस्पेक्शन का जो शेड्यूल है उसके तहत आज मैं परबत्ता थाना में आया था और यहाँ पर जो भी अनुसंधान है, तो लंबित कांड है, सरकारी अभिलेख है, पदाधिकारियों के पास क्या जिम्मेदारी है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने यहाँ पे गहन चर्चा की और सभी अभिलेखों का अवलोकन किया और उसके बाद जो भी निर्देश जहाँ पर देने की आवश्यकता होगी उसको भी दिया है। क्या सब कमी देखी गई इस? नहीं, एक सतत प्रक्रिया, हर एक साल जो है निरीक्षण का एक कार्यक्रम पहले से तय होता है, उसी तय कार्यक्रम के तहत हम लोग थानों में जाते हैं, पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स में जाते हैं और वहाँ से हम लोग जो क्रियाकलाप हम लोगों को निर्देश पुलिस मुख्यालय के तरफ से प्राप्त होता है या मेरे कार्यालय से, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से, थाने के अभिलेख इत्यादि का अद्यतन रहना, इन सभी विषयों पर निरीक्षण किया जाता है, रूटीन वर्क। सर एक और जानकारी जानना चाह रहे हैं, सर आशुतोष हत्याकांड इंजीनियर का हुआ था, उसमें अभी तक तत्कालीन थाना तक जो है गिरफ्तार नहीं हो पाए, इस पर सर कुछ? उनकी गिरफ्तारी को लेकर जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों का प्रयास है, बट उस केस में हम लोगों ने उनके घर की कुर्की की है और पुलिस के सेवा से भी वो बर्खास्त हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है बट अभी तक सफलता नहीं है। सर दूसरा एक रंगरात ओपी है सर, लेकिन वहाँ पे लगातार 5-6 प्रत्येक दिन केस होती है, लेकिन ओपी है, गोपालपुर आना जाना बड़ी परेशानी होती है। बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में ऐसे कोई टिप्पणी करना, गोपालपुर रंगरापुर थाना बन जाता सर। मैंने जैसा कहा कि वो एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया है जिसका पालन करके फिर कोई थाना का निर्माण होता है, तो ऐसे बता पाना सर। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी की? पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की तैयारी लगातार चल रही है। वैसे तत्वों की पहचान जो पंचायत चुनाव में पूर्व में गड़बड़ियां किए हैं, इनके ऊपर संभावना है कि वो गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिनका पहले इस तरह चुनाव इत्यादि में हंगामा, मारपीट, अन्य अपराध में शामिल होने का शिकायत है, उन सभी लोगों की सूची हमारे पास बन गई है और इन लोगों के ऊपर CCA के तहत प्रस्ताव, इनका बेल कैंसिलेशन, ये सब जो प्रक्रिया है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। सर लास्ट थाना का बाउंड्री वॉल का मामला भी फंसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
इसके संबंध में मैंने अभी एसपी साहब को कहा है कि वो इस पे सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर पहले पता कर लें कि विवाद कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। भागलपुर में 19 कोरोना मामले आए सामने, मचा हड़कंप। भागलपुर जिले में 3 महीने बाद एक साथ कोरोना के 19 मामले सामने आए। सोमवार को सबौर प्रखंड के रानी तालाब से एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं शहरी क्षेत्र के 8 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद रानी तालाब में संक्रमित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सिविल सर्जन के नेतृत्व पर वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक 2:30 बजे तक मंगलवार को क्षेत्र में 115 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 2 लोग और संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के अचानक बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी की गई थी, जिसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि लोग कोरोना गाइडलाइंस को भूल चुके हैं, नतीजतन महीनों बाद एक साथ इतने मामले सामने आए हैं। यह सभी दूसरे राज्यों से भागलपुर आए थे। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना जांच टीम सैंपल लेकर उस क्षेत्र में जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के समारोह व होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा, साथ ही मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील भी उन्होंने लोगों से की है। कि कभी एक केस मिल रहे हैं या कभी केस कई दिनों तक नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है, वो बातें अब लगता है कि बीती हो गई और अब पुनः कोविड के केसेस हमारे आने लगे हैं, जो बहुत ही ये गंभीर संकेत दे रहे हैं। गंभीर संकेत ये हमें प्राप्त हो रहे हैं कि कोविड पुनः अपना पांव पसार रहा है और ये सबके लिए एक लाल सिग्नल या रेड सिग्नल है। आपने देखा कल एक ही परिवार में 11 केस मिल गए और कुल भागलपुर में 19 केस आ गए, और जबकि पिछले विगत कई सप्ताह से एक भी केस नहीं मिल रहे थे या एक आध केस मिल रहे थे। तो तैयार हमें ये होना है कि जो हमारे कोरोना के जो दूसरा अटैक या दूसरा एपिसोड या दूसरा स्टॉर्म कह सकते हैं आप इसको, जो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, हरियाणा में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं, उनसे हमारे यहाँ के लोगों के आवागमन के चलते, जिस पर कि कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं पड़ता है, प्रतिबंध शायद लागू है लेकिन ये प्रतिबंध दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन प्रतिबंधों में कमी की वजह से, हमारे अनुशासन में कमी की वजह से, हमारे मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को भूल जाने की वजह से हम पुनः कोरोना के आगोश में जाने को लग भागलपुर में आ गया है। सब किस तरह से लोगों से अपना क्या देखिए, ये एक सिंगल केस है, एक कोई व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से आए थे, इसी तरह का कार्यक्रम था यहाँ पर, और उससे जो हम लोगों की संभावना है कि कई लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम गई हुई है, सिविल सर्जन और DPM भी वहाँ उपस्थित हैं और कई सारा सैंपल लिया गया है। जो मेरी जानकारी में है वहाँ लगभग अभी तक 115 सैंपल्स लेकर के जाँच किया गया है और उसमें 2 लोग ही मात्र अभी जो है पॉजिटिव पाए गए। तो हम लोग वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाएंगे और लोगों से ये अपील भी है, कल एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हुई थी सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि होली मिलन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा, तो ये हम लोग इन्फोर्स कराएंगे। और जो 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, उनकी भी रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की जा रही है, और किसी पंचायत में अगर ज़्यादा संख्या में इन तीनों राज्यों से लोग आते हैं तो वहाँ पर हम लोग टीम भेज करके भी रैंडम सैंपल कलेक्ट कराएंगे। स्थिति पर हम लोगों की नज़र है, लोगों से बस यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है, मास्क पहनना है और जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है इसमें सहयोग करें और जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। और होली मिलन या इस तरह का जो बड़ा कार्यक्रम जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है उसको निश्चित रूप से अवॉइड करें। सर, जांच को लेकर भी जैसे कि सार्वजनिक स्थल पर जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड ऐसा नहीं, ये हम लोगों ने शुरू किया है रेलवे स्टेशन पर, कल से हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें हम लोग इन 3 राज्यों से अगर ट्रेन ओरिजिनेट होकर के आ रही है तो उन लोगों को हम लोग कुछ रैंडम सैंपल ले करके जाँच कर रहे हैं और उस पर हम लोग सिचुएशन पर फिक्र रहे हैं। थैंक यू सर। भागलपुर, विक्रमशिला सेतु से कूदकर युवक ने दे दी अपनी जान। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से कूदकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के इटहरी के रुपेश कुमार
उर्फ धर्मराज के रूप में हुई है, जो अपने ननिहाल सबौर के भिट्टी गांव में रहकर पढ़ाई और जीवन यापन के लिए फोटो लैब में काम करता था। वहीं युवक के द्वारा पुल से कूदे जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग युवक की खोजबीन में जुट गए। मृतक के मामा विकास कुमार ने बताया कि युवक अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं हो पाने से कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, जिसके कारण ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया एसपी ने देर शाम सब्जी मंडी का किया निरीक्षण, कहा नई ट्रैफिक व्यवस्था भी है ट्रायल में, जल्द ही नई ट्रैफिक व्यवस्था को किया जाएगा लागू। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मंगलवार की देर शाम नवगछिया के नए जगह पर शिफ्ट हुए सब्जी मंडी और स्टेशन रोड का जायजा लिया। नवगछिया एसपी ने कहा कि अभी नवगछिया की ट्रैफिक व्यवस्था को प्रयोगात्मक रूप में किया गया है, जल्द ही नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। नई सब्जी मंडी का प्रवेश और निकास मार्ग काफी संकुचित है। इस मामले पर भी नवगछिया एसपी ने कहा कि एक वैकल्पिक रास्ते को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। उक्त रास्ते पर एक दुकान है, वह दुकान वैधानिक है या फिर अवैध है, इसके लिए जांच का निर्देश नवगछिया के थाना अध्यक्ष को दिया गया है। फिलहाल मकनपुर चौक से स्टेशन और स्टेशन से मकनपुर चौक वन वे ट्रैफिक लागू किया गया है। नवगछिया के एसपी ने कहा कि फिलहाल वे लोग देखेंगे कि इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसपी ने कहा कि हर हालत ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुलभ बनाया जाएगा, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम एक रोड मैप तैयार कर रही है। मौके पर नवगछिया के एसपी ने नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार को भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को 100% लागू करने की बात कही है। इधर जानकारी मिली है कि अभी भी नवगछिया बाजार ऑटो का लोड लेने में सक्षम नहीं है। स्थिति में संभावना है कि नवगछिया शहर में ऑटो का परिचालन प्रतिबंधित किया जाएगा, जबकि टोटो प्रशासनिक स्तर पर निर्धारित किए गए रूट चार्ट के आधार पर चलेंगे। जो भी हो, नई व्यवस्था शहर वासियों के लिए काफी सुविधाजनक है और यह पूरी तरह से जाम से मुक्ति है। नवगछिया के लोग भी प्रशासनिक पहल का भरपूर स्वागत कर रहे हैं। बात समझ गए? क्या मार्केट का क्या देखे सर? जो आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, यहाँ से लेकर स्टेशन चौक तक पूरा मतलब अस्त व्यस्त व्यवस्था थी, पूरा सब्जी मंडी रोड पर आ गया। सबों के सहयोग से स्थानीय प्रशासन हो या पंचायत परिषद हो चाहे आम सब्जी विक्रेता भी, सबों के सहयोग सब्जी मंडी हम लोग पास में शिफ्ट कर दिया। अभी जगह खाली हो गया है, पार्किंग प्लेस बन रहा है जो चार पहिए वाहन के लिए, जो पहिए वाहन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बाहर सामान भी आता है, तो जो कमर्शियल छोटे वाहन है लोग उसका भी पार्किंग प्लेस बना है, उन्हें दिक्कत नहीं है। और ये जो सब्जी मंडी आप जानते हैं, हमारे दिमाग खाता है, सबों के सहयोग से हम इसको एक सब्जी मंडी हुआ, एक फल मंडी हुआ, और जो ठेला वाले हैं उनको ही जगह देंगे ताकि अपना वो ठेला पे सामान को अपना बेच सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। रास्ता है सर, एक तो एक नया बनने का ये सामने में देख रहा हूँ, कोयला का ये दुकान खोल रखा है, मैंने थाना पहाड़ियों का है, वो जांच कर लेंगे कि इलीगल या लीगल है। यदि इलीगल है वो कल हटेगा, वहाँ से रास्ता बनेगा और मट्टी फ्राई होगी और वहाँ भी दुकान लगेगा और आम रास्ता भी, क्योंकि अभी सब्जी मंडी में एक ही रास्ता है जिससे कि वो भीड़ बढ़ जाती है, बेहतर रास्ता की होती है सर। नवगछिया मार्केट में सर टोटो का आवागमन शुरू हो गया है क्या? अभी एक रास्ता जो है गौशाला रोड से जो है हम लोग वन वे ट्रैफिक की हमने अलाउ किया है, जो लोग इंटीफा अलाउ किया है, और प्रयोग के तौर पे 7 दिन मैंने कहा है, थाना पहाड़ियों के स्पष्ट कहा है कि 7 दिन आप बतौर प्रयोग देख लें कि ये वन वे ट्रैफिक करने से आम आदमी क्या परेशानी होती है। आम आदमी परेशानी होगी तो हम फिर इसको बंद करें, हमारे लिए प्रायोरिटी आम आदमी है, सबों का हित देखना है। अभी टोटो वाले भी आते हैं, उनका हित भी देखा जा रहा है, लेकिन उनके भी आने से बाजार में प्रॉब्लम होता है आम आदमी को, तो भी विचार हम लोग करेंगे। ठीक है सर, कितने लोगों में नामजद हुआ है फिर? जब आपको जानकारी होगा कि कल DFO और लोकल पुलिस टीम रेड करने गई थी, वो अवैध आरामी के खिलाफ छापामारी क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा
हमला कर दिया गया, जिसमें कई किस्म के जख्मी हुए और पुलिस गाड़ियां और जेसीबी शीशा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उसी क्रम में वनपाल के आवेदन पे एफआईआर दर्ज किया गया है, लोग 50 लोगों का एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या कार्रवाई होगी इस पर? जो नेम्ड एक्यूज है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे करने के पुलिस कोई हमला करता है इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों का सर इस समय कहना है कि बहुत लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे, उनका भी नाम आगे जांच कर लेंगे। हम लोग जांच कर लेंगे, इतना मैं वापस बोलता हूं, यदि कोई निर्दोष है उसका नाम आया एफआईआर में, हम लोग जांच करेंगे, दोषी जो पाया जाएगा वही जेल जाएगा और निश्चित जेल जाएगा। नवगछिया, नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक को 3 वर्ष 6 माह कारावास की सजा। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की को बाला पुतला कल अपहरण करने के मामले में दोषी पाते हुए खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर निवासी प्रवीण कुमार सिंह पिता बहादुर सिंह को 3 वर्ष 6 माह कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 363-368 भादवी में दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक श्री किशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया। श्री झा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष से कुल 7 गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर वर्ष 2017 की रात्रि में अभियुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बीहपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। घटना के संदर्भ में अपहृत लड़की के पिता के बयान पर बीहपुर भवानीपुर थाना कांड संख्या 470/17 दर्ज की गई थी। अपहरण के 26 दिन बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को हरियाणा के पानीपत से बरामद किया था। न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 369/18 के तहत सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए, सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। बिहार विधानसभा में गुंजा 14 नंबर सड़क के जाम का मुद्दा जनता में हर्ष। विधानसभा के प्रश्नकाल में बीहपुर विधायक कुमार इंजीनियर शैलेंद्र के द्वारा 14 नंबर सड़क पर लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए बीहपुर जमालपुर केबिन पर ROB की मांग की गई है। ज्ञात हो कि 14 नंबर सड़क बीहपुर विधानसभा को गोपालपुर से जोड़ती है और एकमात्र सड़क होने के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। विधायक इस प्रश्न पर भाजपा नेता संजय राय, ओम प्रकाश सिंह, अभय कुमार राय, गोपाल चौधरी, विक्की चौधरी आदि ने विधायक के इस जनहित मुद्दे को सदन में उठाने के लिए बधाई दी। श्री कुमार शैलेंद्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के बीहपुर प्रखंड अंतर्गत NH-31 पर जाने के लिए एकमात्र 14 नंबर सड़क है। बीहपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर ROB नहीं रहने के कारण हर हमेशा जाम लगी रहती है। अतः मड़वा जमालपुर के पास पश्चिमी केबिन पर ROB बनाने की मांग करता। नवगछिया, अधिवक्ता संघ की कमेटी भंग, 9 अप्रैल तक होगा चुनाव। आम सभा में कमेटी को किया गया भंग, निर्वाचन कमेटी का हुआ गठन। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता भवन में मंगलवार को अधिवक्ता नीरज कुमार झा की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में नवगछिया बार एसोसिएशन की कमेटी को भंग करते हुए नए सिरे से कमेटी के गठन को लेकर चुनाव की घोषणा सर्वसम्मति से की गई। आम सभा के मौके पर सर्वसम्मति से 9 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं मौके पर सर्वसम्मति से निर्वाचन कमेटी का भी गठन किया गया। आम सभा में निर्वाचन पदाधिकारी अधिवक्ता श्री रामजी मिश्रा को बनाया गया है। 3 मेंस कमेटी में वरीय अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद यादव, गणेश प्रसाद शाह, कृष्ण कुमार बंदोपाध्याय को बनाया गया है। निर्वाचन कमेटी को निर्धारित तिथि में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है। आम सभा के दौरान पुस्तकालय कमेटी में 5 सदस्य के होने वाले चुनाव की जगह 1 सदस्य का ही चुनाव किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। आम सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक महासचिव जय नारायण यादव कार्यवाहक के रूप में कार्यरत रहेंगे। वहीं आम सभा में अधिवक्ता अशोक कुमार ठाकुर, रामजी पोद्दार, विमल कुमार त्रिवेणी, सतीश कुमार झा, रामशंकर झा, विनोद कुमार मिश्र, विभास प्रसाद सिंह, कृष्ण कुमार आजाद, रजनीश कुमार सिंह, अमित कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। बिहपुर, आरामिल हटाने गए पुलिस कर्मियों पर पथराव किए जाने के मामले में 50 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। बिहपुर प्रखंड के बभनगामा गांव में अवैध आरामिल जब्त करने गए वन विभाग के कर्मी और पुलिस पर किए गए पथराव और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने मामले में वनपाल प्रमोद कुमार सिंह ने कुल 50 लोगों को नामजद करते हुए बिहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बभनगामा निवासी शिवनंदन सिंह, प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह, रवीन सिंह, बुलटूस कुमार, राजेश कुमार, अमर कुमार, खुशबू कुमारी, शिवनंदन सिंह की पत्नी, बुलटूस सिंह की पत्नी, नीलेश कुमार, रुपेश कुमार, कन्हैया कुमार, प्रकाश सिंह की पत्नी, गुलशन कुमार, गौरव कुमार, ब्यूटी कुमारी, प्रिंस कुमार, हिमांशु कुमार, पीयूष कुमार, अरविंद सिंह की पत्नी, रवीन सिंह की पत्नी, गोलू कुमार, राजनीति सिंह, गुलशन शाह, राइट सिंह, सुमित सिंह, मंचन कुमार, पूछो सिंह, राहुल कुमार सिंह, रोशन सिंह, रोहित सिंह, जुगेश सिंह, राजीव सिंह, चंदन सिंह, मूलू सिंह, निक्की सिंह, प्रीतम सिंह, उत्तम सिंह, ज्योति सिंह, धारो सिंह, पप्पू सिंह, कुंदन सिंह, छोटू सिंह, रमनी चौधरी, सत्यम कुमार, शिवम कुमार, छोटू चौधरी एवं चीकू चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वनपाल ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस बलों के साथ वे लोग दो अवैध आरामिल पर कार्रवाई करने गए थे। एक आरामिल के संचालक अमरपुर निवासी रमनी चौधरी एवं दूसरे आरामिल के संचालक भाइयों में बभनगामा निवासी प्रकाश सिंह, शिवनंदन सिंह, रवीन सिंह एवं अरविंद सिंह ने से संबंधित कागजात की मांग की। दोनों आरामिल संचालक द्वारा किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखाया गया। कागजात नहीं दिखाने पर दोनों आरामिलों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। जब्ती के कार्रवाई में दोनों आरामिल के संचालक ने सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण महिला एवं परिवार के सदस्यों को बुलाकर किसी बूढ़े को मशीन के अंदर दबने की अफवाह फैलाकर वनकर्मी की छापेमारी दल के सदस्य एवं स्थानीय पुलिस पर अचानक ईंट पत्थर लाठी डंडे और हथियार से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से छापामारी दलों समेत स्थानीय पुलिस अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाई। इस हमले में कई छापेमारी दल के सदस्य एवं स्थानीय पुलिस कर्मी घायल हुए थे। वहीं हमलावरों ने छापेमारी दल के भारे पर लाए गए जेसीबी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जेसीबी के चालक प्रताप नगर कदवा निवासी विपिन कुमार राय को भी मारपीट कर घायल कर दिया। उपद्रवियों ने स्थानीय थाना के 4 सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मालूम हो कि इस मामले में एक आरोपी राजेश कुमार को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। बिहपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि नामजद सभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन टीम का चयन आज। 18 से 20 मार्च तक कुशहा आश्रम हाजीपुर वैशाली में आयोजित 27वीं बिहार राज्य सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए पुरुष टीम का चयन आज बुधवार बिहपुर के रेलवे मैदान पर किया जाएगा। उक्त जानकारी राज प्रवक्ता सह नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने दी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, गुरुवार को भवानीपुर गांव में लगेगा बिजली शिविर। रंगरा के भवानीपुर गांव में गुरुवार को बिजली विभाग के तत्वाधान में भवानीपुर काली मंदिर परिसर में मुफ्त बिजली कनेक्शन शिविर लगाया जाएगा। जानकारी देते हुए मंगलवार को बिजली विभाग के कनिया लाइनमैन रोहित कुमार ने बताया कि शिविर में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और बकायेदारों से बिल की वसूली भी की जाएगी। रोहित कुमार ने कहा कि वैसे बिजली उपभोक्ता जिनके यहां 2000 से अधिक का बिजली बिल बकाया है उनकी बिजली को कनेक्शन काटने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है, इसलिए अच्छा मौका है। ऐसे लोग जिनके पास 2000 से ज्यादा बिल बकाया है वे आसानी से शिविर में आकर बकाया जमा कर सकते हैं। पीएससी नारायणपुर में 170 लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन टीका।
बीएससी नारायणपुर में मंगलवार को पीएससी प्रभारी विनोद कुमार के देखरेख में कोरोना वैक्सीन का टीका प्रशिक्षित एएनएम दीप शिखा एवं सुनीता के द्वारा 170 बुजुर्ग महिला पुरुष के बीच लगाया गया। सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक अवलोकन कक्ष में रखा गया। परिणाम सकारात्मक आने पर घर भेजा गया। ऐसे की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य प्रबंधक शंकर कुमार पासवान ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के दौरान कोरोना एंटीजन जांच किया गया। जांच के दौरान संदिग्ध 48 लोगों का सैंपल जांच के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया है। नवगछिया के रामनगर बिंद टोली रिंग बांध समीप मारपीट में एक महिला घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के रामनगर बिंद टोली रिंग बांध निवासी नागेश्वर महतो की पत्नी गंगो देवी मारपीट में घायल हो गई। घायल महिला को परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। नागेश्वर महतो ने बताया कि मेरे भाई प्रेम महतो एवं उनकी पत्नी मुनी देवी ने मारपीट कर घायल किया है। पानी विवाह भवन 0 Mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंती नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।